keep watching Dil Apna Pakistan. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इफ्तिखार ठाकुर। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान मलीहा गजन के साथ। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। खातिनो हजरात, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान मलीहा गजन के साथ। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान मलीहा गजन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वाजिद खान। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान मलीहा गजन के साथ। आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खजा के हसीन रंगों के साथ दिल अपना पाकिस्तान में मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और मेरे साथ हैं इंतखाब अहमद। आपके साथ इस पतझड़ के मौसम में धूप निकली हुई है। और हुमा, बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वैंकूवर में धूप कम ही निकला करती है, ज़्यादातर यहाँ बारिश होती है। और जब मैं कनाडा नहीं आई थी, पाकिस्तान में थी, तो उस वक्त सब लोग मुझे कहते थे अच्छा तुम वैंकूवर जा रही हो, वैंकूवर में तो हर वक्त बारिश होती है। तो हम कराची के बासी जो हैं वो ये बारिश को तरसते रहते हैं, तो हम कहते थे वाह क्या सुहाना मौसम होगा कि हर वक्त बादल छाए होते होंगे और रिमझिम बारिश होती है। लेकिन यहाँ वैंकूवर में आने के बाद पता चला कि भाई वाकई जो धूप है उसकी भी क्या बात है, और अच्छी लगती है धूप। बहुत अच्छी लगती है, दिन छोटे हो रहे हैं लेकिन फिर भी धूप की तमादत ख़त्म हो चुकी है और बहुत अच्छा लगता है धूप में। हाँ, सर्दी की धूप वैसे तो मशहूर है और सर्दी की धूप में बैठना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ की जो धूप है कनाडा की, मुझे लगता है कि ज़्यादा वार्म है। यहाँ का सूरज बहुत गर्म है। अगर शाम को भी आप देखें जो मगरिब के टाइम जब सूरज ढल रहा होता है तो भी बहुत ज़्यादा तेज होता है। हाँ, मतलब उसकी डायरेक्ट शुआएं आती हैं क्योंकि हम ऊंचाई पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो इस वजह से लगता है सूरज जो है वो बहुत करीब लगता है हमें। हाँ जनाब आली, और दिल अपना पाकिस्तान में आज हम बात करेंगे पतझड़। वैसे एक अफसाने का नाम भी है मेरे पतझड़, और पतझड़ जो है वो नाम से ही जाहिर है कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं दरख्तों से। ये भी कुदरत का एक निज़ाम है कि देखिए आप हर साल जो है वो पत्ते जो है वो पहले अपना रंग तब्दील करते हैं, रस्ट हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, बेरंग हो जाते हैं, फिर झड़ जाते हैं। और उसके बाद जो है वो सर्दी का मौसम आता है, जहाँ जिन इलाकों में बर्फ़बारी होती है वहाँ बर्फ़ आ जाती है। और फिर जब बहार आने लगती है, जब नवीदे बहार आने लगती है, यानी जब बहार का पैगाम आने लगता है, तो अगर आप अशजार को देखें, पौधों को देखें, तो वाकई पता लगता है कि जी बसंत बहार आने वाली है। जो है वो फूल पत्ते और फल सब आने लगते हैं। बिल्कुल हुमा, आपने ये देखा है, नोट किया कि ग्रीन पत्ते होते हैं और जब इनके कलर फॉल में कैसे चेंज होते हैं, कोई जैसे आपने कहा कि हर तरह के रंग हो जाते हैं, ग्रीनरी से एकदम चेंज आती है और बहुत अच्छी चेंज लगती है। हमारे पीछे भी आप देखें, एक बहुत बड़ा खूबसूरत है। हम आपको और भी दिखाएंगे कलर्स जो है खजा की, क्योंकि कनाडा की खजा तो मशहूर है और दुनिया भर से टूरिस्ट जो है वो ये वेदर देखने के लिए, ये मौसम देखने के लिए खजा का यहाँ फॉल फॉल देखने के लिए। बिल्कुल, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। खुश जायका मिठाइयाँ खानी हो या निमको खाना हो, चाट समोसे या गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा हो या हलवा पूरी का मूड हो, तो आइए पाक पंजाब स्वीट्स और उम्दा मिठाइयों का लुत्फ उठाइए। मिठाइयाँ निमको, चना पूरी, केटरिंग और बहुत कुछ। पाक पंजाब स्वीट्स 128 और 96 के कॉर्नर पर। पाक पंजाब स्वीट्स।
नाज़रीन, ये जो मेपल लीफ है ये कनाडा की एक बड़ी ख़ास पहचान है और मेपल जो है मुझे उसको देख के ना मेपल सिरप याद आता है और उसके मेपल क्रीम के डोनट्स याद आने लगते हैं, मुझे खाने पीने की चीज़ें याद आने लगती हैं। अच्छा, मेपल सिरप जो है ना वो यहाँ के एलर्जीज के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है कि जो हनी भी अगर आप लोकल यूज़ करें तो वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेपल सिरप कोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल, मल्टीकल्चरलिज्म को कनाडा प्रमोट करता है और तरह तरह के रंग, तरह तरह के लोग, तरह तरह के मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग आके जब कैनेडियन बन जाते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे कलर्स मुझे अच्छे ही लगते हैं, लेकिन खजा के रंग ज़्यादा ही कुछ पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस पर हम अपने एक प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, तो लेकिन दोबारा मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि लोगों को बाहर का मौसम उमूमन पसंद होता है कि हाँ भाई चमन में फूल खिल रहा है, रंग बिरंगे बहुत अच्छे। तो अगर रंग बिरंगे की बात है तो ये तो आप देखेंगे जो ऑटम में पत्ते गिर रहे हैं, ये फर्श पे ऐसे लग रहे हैं फूल बिछे हुए। अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं ये पत्ते गिरे हुए, आप देखें कि ऑरेंज रेड येलो लीव्स ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कोई फूलों की सेज है। फूलों का फर्श वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, गाने हो रहे हैं, वो हीरो हीरोइन के लिए जो है वो फूलों का फर्श बताते हैं, उस पर हीरोइन चलती हुई आ रही है। फूलों की सेज की ये पत्तों की सेज है यहाँ नहीं पे। ये पत्ते फूलों की तरह लग रहे हैं और इसमें भी ऐसा लग रहा है कि ये कुदरत ने जो है एक फर्श बिछाया हुआ है और इस पे आप चल के आए, तो भाई क्या बात है, कुदरत की सन्नाई की दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, वो एक मिसरा भी है ना, खिजां का रंग आया है मौसम बहार में, इसकी कोई आप तारीफ करें। देखिए, ये जो मौसम का कहते हैं इंसान पर असर होता है, ये बात है जरा थोड़ी शायराना बात, शायराना बात ये है कि जैसे अगर इंसान खुश होना अंदर से बातिन से होता है, इंसान कहते हैं सारे मौसम इंसान के अंदर होते हैं। अगर आपका दिल उदास है तो भले बाहर चिड़ियाँ चहचहा रही हों, फूल खिले हुए हों और जो है ताज़ा हवा चल रही है, लेकिन आपका दिल नहीं खिल सकता। लेकिन अगर आप खुश हैं, अगर आप मुतमईन हैं, आपका दिल जो है वो मसरत से भरा हुआ है, तो बाहर भले खिजां हो, बर्फ़ गिर रही हो, बारिश हो रही हो, आपको हर मौसम अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो हर मौसम आपको अपनी ज़ात का मौसम होता है, दिल का मौसम होता है। इंतखाब साहब, ये बताइए कि खजा का मौसम तो है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं और इस खूबसूरत मौसम में इवेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ वैंकूवर में? भाई वैंकूवर में दो तीन इवेंट्स हो रहे हैं, एक दिवाली तो चल ही रही है, दिवाली का वीक चल रहा है। हाँ, बड़े पटाखे, उफो, तो पहले मुझे समझ नहीं आई कि क्या फायरिंग हो रही है, मैंने कहा हेलो वैंकूवर में फायरिंग। हाँ, वो ऐसे पटक 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 हो रही थी लेकिन मुझे ख्याल आया कि पटाखे हैं जो दिवाली में फोड़े जा रहे हैं।
अच्छा ये बताएं, आपने पटाखे फोड़े बचपन में? हाँ बचपन में बहुत, मुझे याद है हमारा एक वो अपना पोटाशियम डालते थे उसमें लोहे की रॉड में, उसके एंड पे एक कैप लगी होती थी, उसमें लाकर जमीन पे मारते थे, बहुत जोर का धमाका होता था। हाँ, वो भी अच्छा था। वो बच्चे तो एक चटपट होते ना, जट 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 वो करते थे। और फुलझड़ी, फुलझड़ी भी बहुत बच्चे छोटे छोटे घुमाते होते थे। एक अनार भी होता था, अनार होता था, वो अनार की तरह रंग निकालता था अपने। और उसमें एक और ये मैं आपको बताऊँ, एक दिन हम बचपन का वाक्य बता रहे हैं, मैं और मेरे भाई जो अमेरिका में होते हैं, वो हम दोनों को वो पोटाशियम मिल गया, वो पटाखे वाला। तो हमने कहा ये ऐसा करते हैं, इसको आग लगाते हैं। आप यकीन करें वो छोटी सी शीशी थी, उसको आग लगाने का काम करते हैं। अरे आग तो उसने बचपन में तो बहुत किया, बचपन में बहुत किया। अच्छा तो वो जब उसे आग लगाई ना, तो वो शीशी मेरे हाथ लग गई, उसको आग लग गई। किसको? शीशी को, बंदे को नहीं लगी, बंदे को नहीं लगी। अच्छा, वो शीशी को आग लगी, लेकिन हुआ ये कि वो शीशी मेरे जो ग्लास था वो पिघल गया, और यकीन करें वो चिपकी मेरे अंगूठे पे। और वो बोतल, और वो सारी छोटी सी बोतल थी, वो चिपकी, मैंने ऐसे नोचा उसे, तो वो मेरी खाल भी साथ में आ गई। दैट वाज रियली एक फन भी था। अच्छा, लेकिन एक्सीडेंट मना था। करते हैं क्योंकि जो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मना करते हैं बच्चों को, वो इसीलिए कि देखिए ये जो आतिशबाजी है, वैसे जो फायरवर्क प्रोफेशनल होता है वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो घर में पटाखे और ये फुलझड़ी, इट्स वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस होती है। अच्छा दिवाली हो गई, फॉल का सीजन की बात हो गई, अब एक दावत क्लब वाले अपना गाये बगाए फंक्शन करते रहते हैं, और 12 तारीख को जो है हमारा वो दावत क्लब वाले एक फंक्शन कर रहे हैं, तो उसमें लोगों ने आप प्री रजिस्ट्रेशन करा लें, और उसके लिए बिलाल फारूक को आप उनसे बात करें, फेसबुक पे भी है उनका पेज, बिलाल फारूक खान जो हैं वो दावत क्लब को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो
इस वक्त जो है हम एक फार्म पे मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे पम्पकिन लगे हुए हैं कद्दू। तो जब हम सिंड्रेला की कहानी बचपन में सुनते थे तो उसमें यही था कि वो सिंड्रेला जो है जब रो रही थी और उसकी सौतेली माँ और उसकी जो बहनें सौतेली वो उनको छोड़ के बादशाह की पार्टी में चली जाती हैं, तो फिर वो रो रही होती है, एक फेरी आती है और वो एक छड़ी घुमाती है और बाग में जो कद्दू होते हैं उनकी एक गाड़ी बन जाती है। तो मैं सोचती थी कि वो कद्दू की गाड़ी कैसे बनती होगी, लेकिन यहाँ इतने सारे इतने बड़े बड़े कद्दू और ये एक अगर ट्रैक्टर देखते हैं तो मुझे पता चल गया है कि सिंड्रेला की गाड़ी कैसी बनी होगी। अगर आप कहें तो मैं इस ट्रैक्टर पर चढ़ती जाऊँ, लेकिन मैं नहीं चढ़ूँगी क्योंकि मैं तो यहाँ पर हेलोवीन मनाने आई हूँ और ये कद्दू जो है मैंने उठाने की कोशिश की मगर ये बहुत वजनी है। तो एक कद्दू जो है वो उठाते हैं और हेलोवीन मनाते हैं, घर के बाहर रख देते हैं, ये रिवाज है। तो हैप्पी हेलोवीन, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। अब एक मिनट, keep watching Dil Apna Pakistan. सबसे पहले मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा तमाम लोगों का, अपने मीडिया पार्टनर्स का, अपने जो स्पॉन्सर्स हैं काउंसिल जनरल, वाइस काउंसिल जनरल और तमाम डायरेक्टर्स और जितने वॉलंटियर्स हैं कि आप सबका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे साथ इस चीज़ को शेयर किया कि हम अपने डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा लें और दूसरा अपने हरदिल अज़ीज़ नदीम ज़िया साहब को अच्छी तरह से रुख्सत कर लें। नदीम ज़िया साहब, जैसे नवीद भाई ने बताया कि इस बंदे को मैंने कभी मायूस नहीं देखा, हमेशा ये पॉजिटिव रहते हैं और जहाँ भी जाएं जिस किस्म की कम्युनिटी, ना सिर्फ PCCA, इन्होंने हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिल्कुल खुले दिल से काम किया। तो हम मिक्स फीलिंग के साथ, हम अफसोस भी है कि हम आप हमसे जा रहे हैं, लेकिन आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। बहुत सारी तालियों में इनका तारफ मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं कराता क्योंकि ये कम्युनिटी में इतने शामिल हैं, इतने घुल मिल गए हैं, इनकी सक्सेस स्टोरीज बहुत लंबी है और सक्सेस स्टोरी में एक पाकिस्तान फेस्टिवल है और बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं और हमें बहुत खुशी की खबर आती है कि कौंसलेट हमारा बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रहा है। जी कौंसलेट, शुक्रिया फारूक सईद साहब, शुक्रिया नबी वाई साहब और आप सब लोगों का क्या यहाँ पे आज इकट्ठे हुए, तो बहुत शुक्रिया आपने इतने अच्छे अल्फाज में बातें की मेरे बारे में, खास तौर पर सक्सेस स्टोरी, मेरी सक्सेस स्टोरी को आपने बहुत शुक्रिया आपने एनुमरेट कर दी, मेरी फेलियर स्टोरीज भी बहुत लंबी है। जैसे कि नदीम ज़िया साहब ने कहा था कि एक जो है ना आइडेंटिटी वाली बात है, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपकी कम्युनिटी की आइडेंटिटी है, ठीक है, और आपकी जो है ना वो मुल्क की आइडेंटिटी है, तो और दूसरा जो आपका काम है वो कल्चरल प्रमोशन है। मैं चाहता हूँ कि आप रूटीन से हट के काम करें, रूटीन से ये है कि आप 23 मार्च का फंक्शन तो करें, आप 14 अगस्त का भी करें, आप ईद सेलिब्रेट करें, पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट की जो है ना नुमाइश कर सकते हैं, आप गर्मियों में जुलाई अगस्त में आप आमों का फेस्टिवल कर सकते हैं, आप उसके अलावा आप फूड फेस्टिवल कर सकते हैं, जैसे आप कैनेडा डे परेड होता है जो इतना इम्पॉर्टेंट है चीज़, उसमें एक तो परेड पे हम फोकस करें लेकिन साइड पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज PCCA के फंक्शन में आए हैं। PCCA ने एक फेयरवेल पार्टी, नदीम ज़िया जो इनके डायरेक्टर हैं, लॉन्ग टाइम डायरेक्टर, जो कि अपने नए करियर के लिए दूसरे मुल्क सुधार रहे हैं, तो उनके लिए हमने ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम नदीम साहब बहुत ज़्यादा हमें वो एहसास है इस बात का कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, आपकी खिदमात कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। शुक्रिया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ज़रूर।
माशाल्लाह कनाडा में बीसी में जब से मैं आया हूँ 2003 से पाकिस्तान कैनेडियन कल्चर एसोसिएशन के साथ मैं वॉलंटियर रहा और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा और उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा पूरी टीम से वो वॉलंटियरिज्म कि आपको वॉलंटियर काम करना कितना बेहतर होता है और उसने मेरे कैरियर में बहुत हेल्प की और उसके बाद फिर मुझे एक आइडेंटिटी दी कि भाई कम्युनिटी में हम सब मिलके काम करते हैं तो सारे इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट करता था और पूरे टीम में जब आप बात करते हैं वॉलंटियर काम करते हैं तो लर्निंग होती है नॉन स्टॉप आपकी नेटवर्किंग होती है और मुझे पर्सनल उसमें कैरियर में इतना बूस्ट मिला इतना सक्सेस मिला कि आज जो मैं हूँ और माशाल्लाह मैं उसका शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स की दुआओं का अपने दोस्तों की हेल्प का और स्पेशली पाकिस्तान कैनेडियन कल्चर एसोसिएशन की टीम का कि उनके साथ काम करके मुझे काफ़ी अपने कैरियर में सक्सेस और कामयाबी मिली। हाँ बिल्कुल मुझे नाज़रीन इस ये खिज़ा का मौसम है इस वक्त पत्ते झड़ रहे हैं और कुछ अच्छे दोस्त जो हैं वो एक शेर मुझे याद आ रहा है अब के हम बिछड़े कभी ख्वाबों में मिले जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले तो इस तरह तो नहीं होगा लेकिन आप हमें सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रूर रखिएगा क्या कहते हैं इन कॉन्टैक्ट में रखिएगा जी। घुमन साहब आप कुछ कहना चाहेंगे नज़ीम साहब के लिए? मैं बिल्कुल ये कहूँगा आप जिस तरह आपने शेर बोला है हमेशा हट के चलता हूँ हमेशा हट के चलता हूँ ज़माने की रवायत से कि जिन पर बोझ मैं डालूँ वो कंधे याद रखता हूँ। नदीम साहब ने हमारे साथ जितना भी एसोसिएशन में काम किया और जिस तरह एसोसिएशन के बाहर भी उन्होंने वॉलंटियर काम किया हम इनके काम से टोटली तौर पर मुत्तफिक और पूरी तरह कायल हैं कि जो इन्होंने खिदमात हमारे लिए कम्युनिटी के लिए पीसीसी के लिए सर अंजाम दिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। सैयद साहब जो हैं ये हमारे पर सैयद ये हमेशा नाज़रीन मैं इसको अब दोबारा से कह देता हूँ फारूक सैयद जो हैं ये पीसीसी के दोबारा इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं दोबारा आए हैं और इनके भी अपने गोल्स हैं आज फेयरवेल दिए है तो इनसे सिर्फ राज नदीम साहब के लिए पूछेंगे इनके तासुरात क्या हैं। शुक्रिया इंतखाब भाई आज नदीम भाई के मतलब लोगों ने बड़े खूबसूरत शेर किए मुझे इतने शेर तो नहीं थे लेकिन आज एक याद आ गया मुनीर न्याजी का हाँ जी कल देखा एक आदमी अटा सफर की धूल में गुम था अपने आप में जैसे खुशबू फूल में उनकी शख्सियत को बड़ी अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता है। तो नदीम साहब हमारे बड़े हरदिल अजीज डायरेक्टर थे ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी एसोसिएशन के लिए दूसरी एसोसिएशन के लिए भी बड़े वॉलंटियरली काम किया और बड़े दिल लगाकर काम किया। इनकी कमी यहाँ महसूस की जाएगी लेकिन हम इनके लिए खुश हैं कि अच्छा कैरियर नया कैरियर स्टार्ट करें हम इनके लिए दुआ भी हैं और इनके साथ हमेशा ताल्लुक बरकरार रहेगा इनकी सोशल मीडिया जी। नाज़रीन हमारे साथ नसर साहब हैं जो कि पी सी सी के सदर थे एक टाइम पे और ये इसी तरह महफिलों में आते रहते हैं तो आज थोड़े से लेट आए हैं लेकिन देर आए दुरुस्त आए आज हमारे साथ हैं। नसर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर जी इंतकाल साहब हमने मौका दिया बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल नदीम साहब के लिए जो लफ्ज़ कहें वो कम ही होंगे नदीम से मेरा ताल्लुक यहाँ काफ़ी नहीं है हम साथ पढ़े कॉलेज में और यहाँ आकर ऐसे मुलाकात हो गई अचानक तो पी सी सी के प्लेटफॉर्म में जब ये आए तो हम दोनों ने एक दूसरे को याद दिलाया कि यार हम कहाँ थे किस कॉलेज में पढ़े तो बड़ा अच्छा लगा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और नदीम साहब बड़े मेहनती हैं ऑनेस्ट हैं बड़े इन्होंने मेहनत की वहाँ भी इन्होंने मेहनत की हुई थी और इसी मेहनत के वजह से यहाँ पहुँचे थे और यहाँ इन्होंने बड़ी अपने आप को मेहनत करके इन्होंने मनवाया और आगे चले और इनकी जो न्यू असाइनमेंट्स हैं नो डाउट यू नो ये डिज़र्व करते हैं और हम इनके लिए बहुत अच्छी ये विशेस रखते हैं कि ये आगे चल के और कामयाब होंगे। इनकी कमी ज़रूर महसूस होगी लेकिन इनका फ्यूचर पहले और हर चीज़ विश हिम ऑल द बेस्ट नदीम साहब थैंक यू वेरी मच विद बीइंग अस ओके और मैं स्पेशली काम से लेट आया जो इन्होंने कहा उसके मैं आपकी वजह से आया थैंक यू वेरी मच जी थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन हमारे साथ इस पी सी सी ए के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी और एक आवाज़ जो पी सी सी ए की तरफ से सुनी जाती है वो हमारे साथ नवीद वड़ाइच हैं हम नवीद वड़ाइच साहब को वेलकम कहते हैं और आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत कुछ कहा जा चुका है मैं समझता हूँ कि नदीम एक ऐसा फूल है
जो जहाँ भी जाएगा वहाँ खुशबू बिखेरेगा। और अब कतर क्या है तो कतर से वहाँ से खुशबू आएगी। एक ऐसा ऐसा एक शख्स है जो अपना जानता है कि उसने अपना नाम किस तरह पैदा करना है और उसने बड़ी मेहनत की है, जैसे नसर साहब ने कहा, तो मेहनती आदमी है। वहाँ जाके भी आप इसको सुनते रहेंगे, सोशल मीडिया के जरिए सुनते रहेंगे, हमारी एसोसिएशन और बहुत सारी दूसरी एसोसिएशन जैसे आपने जिक्र किया वो इनकी काविशों को मिस करेंगी। इन्होंने बहुत काविश की है, इन्होंने बहुत काम किए हैं, हम उनके काम मिस करेंगे, लेकिन हम इनको सोशल मीडिया की तरफ से देखते रहेंगे कि ये आगे जो खुशबू फैलाते जाएंगे। तो नदीम साहब, हम आपको मिस करेंगे, लेकिन हम आपको वी विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज यहाँ पे रिचमंड के एक फॉर्म में यहाँ पे। नाज़रीन आपको ये मैं बताता चलूँ, ये हेलोवीन का त्यौहार भी जब फॉल आती है तो उसके साथ साथ ये पम्पकिन और हेलोवीन का त्यौहार आता है, सर्दियाँ आने को हैं, फिजा चल रही है यहाँ पे। तो आप ये देखें नाज़रीन के तरह तरह के डिफरेंट किस्म के वो हैं, कद्दू है जिन्हें हम पाकिस्तान में कद्दू कहते हैं, इनके डिफरेंट शक्लें और शेप्स हैं। और आप ये देखें कितने खूबसूरत तरह के हैं, कितने डिफरेंट कलर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। और ये कद्दू जो हैं वो असल में पाकिस्तान में तो खाने पकाने के तौर पे यूज़ होते हैं और मिठाइयाँ बनती हैं उसकी, लेकिन यहाँ पे इसका एक डिफरेंट एक तो डेकोरेशन के लिए काम आते हैं और उसके साथ साथ ये लोग अपने घरों के बाहर सजाते हैं, इनकी डिफरेंट शेप होती हैं और लोग फिर इनकी कार्विंग करते हैं। पम्पकिन कार्विंग भी एक बहुत बड़ा फन है जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। तो नाज़रीन देखते रहिए इंतखाब अहमद के साथ दिल अपना पाकिस्तान रिचमंड के एक फॉर्म पे। Keep watching Dil Apna Pakistan.